क्यों मार डाला तुमने अपनी बीवी को? एक ही सवाल आप मुझसे हजार बार पूछ चुके हैं, और एक ही झूठ हजार बार बोलने से वो सच कब से होने लगा विशाल दुबे? अरे आप उसे एक बार ढंग से ढूंढिए तो सही, मैंने उसे नहीं मारा है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो जिंदा है। कभी तो मुस्कुरा के परोस दिया करो। मेरे मुस्कुराने से तुम्हारा पेट भरने से रहा। चाय लाती हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी चाय, नहीं चाहिए तुम्हारा नाश्ता। तुम्हारे बर्ताव से ही पेट भर गया। आलिन ये पहन ले। यूनिफॉर्म नहीं, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। नहीं, छुट्टी? हाँ। कहाँ जा रहे हम? पटना में रहने वाले विशाल और कंचन के बीच में काफी तनाव चल रहा था। 8 जुलाई 2019 का वो दिन उनकी जिंदगियों को सर के बल उल्टाने जा रहा था। इस दिन इनकी सांझी जिंदगी में एक चौंकाने वाला और दुखद मोड़ आने वाला था, और उसी दौरान पटना से 100 किलोमीटर दूर गया में होने जा रहा था एक कत्ल। हाँ भी बताओ क्या प्लान है? बताओ, ये तो गोलियों की आवाज है ना? हाँ सर। भाला इन शिकारियों की ऐसी की तैसी। कंचन कहाँ जा रही हो? बाहर। दादी आज मेरी छुट्टी, नो स्कूल। बाहर जा रही हो, लेकिन जा कहाँ रही हो? घर से बाहर। बाय दादी। सर हमने 3 गोलियों की आवाज सुनी थी, हमें लगा कोई शिकारी जंगल में जानवरों को मार रहा होगा। कुत्ता जी, ये आदमी या किसी के साथ आया होगा। यहाँ आइए, ये देखिए, यहाँ पे 2-wheeler टायर के निशान है। यहाँ से सबसे नजदीक CCTV हमारे चौकी नंबर 7 के होंगे। पुलिस तुरंत अरेंज करवाइए, वो लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। बाबू, बाबू। जी सर। अरे गौरी मोड़ पर मर्डर हुआ है। क्या? CCTV फुटेज जल्दी निकाल, पुलिस को देनी है। जी सर। आइए मैडम, चाय बनाऊं? बच्चे के लिए कुछ दूध दूध? नहीं भैया, थोड़ी मदद चाहिए। जी बोलिए। जी मैं अपना फोन घर भूल आई हूँ और एक अर्जेंट कॉल करना है, आपका फोन मिल सकता है? जी बिल्कुल। मैम आपकी रिक्वेस्ट हमने नोट कर ली है और 24 घंटों के अंदर आपका पार्सल आपके घर पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, कलेक्ट होने के बाद 3 दिनों में आपका ऑर्डर डिस्पैच किया जाएगा। मैं आपकी और कोई सहायता कर सकता हूँ मैम? भैया क्या वो मैडम लग नहीं रहा है? नहीं भैया, थैंक यू। मम्मी हम घर कब जाएंगे? थोड़ी देर बाद। पापा भी आते तो बहुत मजा आता, पिकनिक मनाते सब, है ना मम्मी?
एक गोली फेफड़ों को चीर गई, दूसरी हार्ट को, और तीसरी गोली पसलियों को छलनी करके निकली है। तीनों पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर हुए हैं। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई अब तक। 25-27 का है, स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है। धोखे से जंगल में बुलाया होगा और फिर मर्डर, ऐसा ही कुछ लगता है। अभी तो पता नहीं, लेकिन कुछ कहानी तो होगी होगी। ये रहा। सर, दोनों ने हेलमेट पहन रखा है, किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। बाइक के सामने की नंबर प्लेट निकाली गई है। इन दोनों का पहले से प्लानिंग है, ये पक्का है। हो सकता है बाइक के पीछे की नंबर प्लेट हो। पीछे भी नहीं है, मतलब लीड मिलने के सारे रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। सर, हेलमेट पे भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे कोई क्लू मिल सके। बलफ। जी सर। इस फुटेज को गया के सारे ट्रैफिक स्टेशन में फॉरवर्ड करो, कहीं ना कहीं के सीसीटीवी से कुछ तो पता चलेगा इन दोनों के बारे में। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है मतलब, फोन आपने किया है, आप कौन बोल रही हैं? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नगमा अहमद बोल रही हूँ। क्या हुआ मैडम, मुझे फोन क्यों किया? आप किसी कंचन दुबे को जानते हैं? मैडम वो मेरी वाइफ है, मेरा नाम विशाल दुबे है। आपकी बीवी कंचन ने आपको एक घंटा पहले कॉल किया था? मुझे तो कोई कॉल नहीं आया। क्यों? अपने फोन से नहीं किया था, एक चाय वाले के फोन से किया था, वहीं से मुझे आपका नंबर मिला है। मैडम मैं ऑफिस में था, काम कर रहा था, मेरा फोन साइलेंट था। लेकिन बात क्या है? विशाल, मैं बेदार घाटी से बोल रही हूँ, तुम्हारा बेटा आर्यन मेरे साथ है और तुम्हारी बीवी कंचन गायब है। गायब मतलब? मैडम आर्यन कहाँ है, कैसा है वो? मैडम वो औरत मुझे परेशान लग रही थी। बेटा आर्यन, तुमने बिल्कुल ही नहीं देखा तुम्हारी मम्मी कहाँ किस तरफ गई? नहीं आंटी, मैं सोया हुआ था, जब मैं उठा तब मम्मी नहीं थी। मैडम ये रोते रोते मेरे पास आया, मैंने भी आसपास ढूंढा मगर पता नहीं चला कहाँ गायब हो गई। मैडम काफी ढूंढ लिया मैडम, कहीं पे भी कोई औरत दिखी नहीं और ना ही कुछ ऐसा दिखा जिससे लगे कि औरत को कुछ हुआ हो। बच्चे को यहाँ अकेले ले आई फिर गायब हो गई है, कोई घरेलू मामला लगता है। मैडम आत्महत्या, नदी में कूद कर। काफी ढूंढ लिया मैडम, कहीं पे भी कोई औरत दिखी नहीं और ना ही कुछ ऐसा दिखा जिससे लगे कि औरत को कुछ हुआ हो। बच्चे को यहाँ अकेले ले आई फिर गायब हो गई है, कोई घरेलू मामला लगता है। मैडम आत्महत्या, नदी में कूद कर। कंचन दुबे का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, फोन रिकॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट डाल दिए। नदी के पास सर्च ऑपरेशन का क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं मिला है सर। बच्चे से दोबारा बात करनी पड़ेगी, पति से तो डेफिनेटली बात करनी पड़ेगी। कंचन के साथ कुछ भी हो सकता है, लग तो रहा है कि पति पत्नी के बीच का कोई झगड़ा है।
पापा जी आप मम्मी जी को लेकर यहाँ आ जाइए, मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगी जी। बेटा मम्मी ने तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं कहा, मैंने पूछा भी था पापा मम्मी कब आएगी। मैडम लगता है मोबाइल बच्चे ने कचरे में फेंक दिया था। मोबाइल? कंचन का फोन? विशाल ये कंचन का मोबाइल है ना? कचरे के डब्बे में? समझ में नहीं आ रहा है सर, कर क्या रही है कंचन? कितनी बार कहा है मम्मी का फोन नहीं छूना? आपके पास कंचन के इस मोबाइल का पासवर्ड है? नहीं सर। फोरेंसिक वाले आज ही खोल के देते हैं तो ठीक, वरना किसी मोबाइल की दुकान पे जाओ और खुलवा कर ही लौटना। जी सर। विशाल मामला थोड़ा प्लानिंग वाला लग रहा है, मोबाइल को स्विच ऑफ करके कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, फिर घर पे बिना किसी को बताए बच्चे को साथ लेकर बिदार घाटी में नदी के किनारे चली, वहां से एक चाय वाले के मोबाइल से आपको फोन ट्राई किया और फिर बच्चे को वहां सोया हुआ छोड़कर गायब हो गए। किस बात से इतना डिस्टर्ब थी? पता नहीं सर, पहले से ही उसका बेसिक नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहा है, पर पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही कटी कटी सी थी। नदी में कूद कर जान दे दे ऐसी कोई वजह? अरे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो सुसाइड नहीं कर सकती है। बच्चे को अकेला छोड़ के गायब हो सकती है? अपने इकलौते 4 साल के बच्चे को इतने बड़े खतरे में डाल सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको नदी किनारे घुमाने लेके गई हो ऐसे ही एकदम से बच्चे का स्कूल मिस करवा कर। मुमकिन तो है ना सर? हाँ मुमकिन है, पर सुसाइड और खुद से गायब होना भी तो मुमकिन है। देखिए मुमकिन क्या है रियलिटी क्या है ये समझने के लिए आपको बताना ही पड़ेगा कि आप दोनों के बीच में इशू क्या था। टेंशन में तो थी वो जरूर, पर किस बात से परेशान थी वो मेरे साथ शेयर नहीं कर रही थी। कंचन हमारी शादी के 6 साल तुम ज्यादातर ऑफ मूड में ही रही हो, पर पिछले 1 हफ्ते से तुमने बेसिक बात भी बंद कर दी है। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगी तो हमारे बीच की चीजें ठीक कैसे होंगी? शेयर कर सकती तो इतने साल नहीं बीतते हमारे मसलों में, और वैसे भी जरूरी नहीं है कि मेरी लाइफ की हर एक चीज तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे। विशाल मेरी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेरी बॉडी की टेंशन स्ट्रेस कुछ भी, तुम उन्हें सुधार नहीं सकते पर बदतर जरूर बना सकते हो। कंचन हमारे बीच रिश्ता इस कदर बिगड़ गया है? मुझे नहीं पता, मैं बस कुछ बताना नहीं चाहती। हमारे इश्यूज का या तुम्हारे इश्यूज का आर्यन पे क्या असर हो रहा है ये तो पता ही है ना तुम्हें। कंचन शादी के 6 महीने तो सब ठीक था, तुम खुश थी मैं खुश था, फिर अचानक से क्या हो गया? तुम्हें अब थोड़ा सा भी प्यार नहीं है ना मुझसे? ऐसा नहीं है विशाल। तू कैसा है कंचन, अपनी शक्ल देखी है पिछले 1 हफ्ते में, खुद की आवाज सुनी है, एकदम खामोश हो गई हो, प्लीज मुझे बताओ ना प्रॉब्लम क्या है। आखिरी बार कह रही हूँ दोबारा मत पूछना, तुम कुछ नहीं कर सकते हो विशाल, इसलिए फिजूल में बीच पे मत पड़ो। बेटा जब तुम नदी किनारे मम्मी के साथ गए थे वहां तुम्हारी मम्मी से कोई मिला था क्या, मिलने आया था? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मम्मी तुम्हें वहां क्यों लेकर गई होगी, वो भी स्कूल की छुट्टी कराकर? मम्मी कुछ बोल नहीं रही थी, मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी, गुस्सा थी। ये क्या हो रहा है कावेरी जी, हमारी बेटी कांचन गायब कैसे हो गई? सुनीता जी हम खुद नहीं जानते ये सब कुछ ऐसे कैसे हो गया। अब हम लोग नालंदा में रहते हैं, अक्सर कंचन से फोन में बात होती रहती है, और पिछले हफ्ते भी तो मैंने फोन किया था उसे, लेकिन तब ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो परेशान है या कुछ और। अभी तो 1 महीने पहले नालंदा से लौटी थी, तब भी अच्छी खासी तो थी, लेकिन 6-8 दिनों से परेशान थी, विशाल से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी।
कावेरी जी, आपका और विशाल दोनों का कहना है कि कंचन परेशान थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको भनक तक नहीं हुई कि उसे क्या खाया जा रहा था? आपका दामाद विशाल तो यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए जो भी बात है खुलकर कहिए। इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ था ही नहीं। अब पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े किस घर में नहीं होते? विशाल और कंचन में किस बात को लेकर झगड़ा होता था? मुद्दा क्या था? वो कंचन हमारी इकलौती बेटी है, शौकीन है और हमने भी पूरे किए उसके शौक, लेकिन विशाल की इनकम थोड़ी कम थी तो खर्चे के मसले को लेकर थोड़ी तनातनी हो जाती थी दोनों में। लेकिन मैंने कंचन को साफ कह दिया था, तुम्हें विशाल के इनकम में ही सब मैनेज करना है। बस इन्हीं फिजूल खर्चों को लेकर कभी कभी झगड़े होते थे। देखिए, अब मैं जो कहने और बताने जा रहा हूँ आपके लिए सुनना और समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जिस प्लानिंग के साथ कंचन घर से निकली, हमें लगता है कि वो सुसाइड के इरादे से घर से निकली थी। नहीं नहीं, कंचन ऐसा कभी नहीं करेगी। और शायद आर्यन को अपने साथ इसलिए लेकर गई क्योंकि अपने साथ साथ आर्यन की भी जान लेने की सोची होगी। कंचन आर्यन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी बेटी कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती। देखिए, अगर उसे कहीं जाना ही होता तो अकेली जाती, अपने बेटे को साथ में लेकर क्यों जाती? देखिए, हमें लगता है कि वो सुसाइड के इरादे से गई थी, हिम्मत नहीं कर पाई इसलिए हताश होकर अपने बच्चे को वहीं छोड़कर अकेले कहीं चली गई, या शायद नदी में कूद गई। जितने थाने हैं सब में कंचन दुबे की फोटो और डिटेल्स फॉरवर्ड कर दो, मल्ला और मछुआरों के एसोसिएशन में सबको आगाह कर दो। विशाल बेटा, वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि किसी घरेलू अनबन के कारण कंचन ने, भाई साहब, कंचन का व्यवहार बद से बदतर होता जा रहा था। वो सिर्फ विशाल से ही नहीं बल्कि मुझसे भी बहुत रूखी तरह बात करती थी। उस दिन मैं उससे बार बार पूछ रही थी कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसने मुझे बदतमीजी से जवाब दिया और चली गई। लेकिन कावेरी जी, पुलिस वाले कह रहे कि कंचन ने शायद सुसाइड कर लिया है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। जी आपका घबरा रहा है पापा जी, आप घबरा रहा है। तब जी नहीं घबराया जब आपकी बिगड़ी हुई बेटी सालों से राजकुमारी वाले तेवर दिखा के मुझे नीचा दिखाती थी, और आपने क्या किया? जो पैसे मैं नहीं दे सकता था उसे, वो आपने उसे दिए। तब जी घबराना चाहिए था ना कि अंजाम क्या होगा। लेकिन बेटा, मैंने तो मेरी गलती कबूल कर ली थी ना। तुम्हारे शिकायत के बाद उन्हें एक बार भी पैसे नहीं दिए उसे अलग से। मैं समझ गया था कि पैसे खर्च करने के मामले में कोई कंट्रोल ही नहीं है मेरी बेटी का। देख कंचन बेटा, ये पैसे जो तुम मुझसे मांग रही है ना, ये मैं तुझे दे नहीं सकता। पर क्यों पापा, हम आप ये मत कहिए कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटा तू नहीं कर सकती, अपने पति का अपमान तू अफोर्ड नहीं कर सकती। पापा आप भी? मैं जो भी कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन। ये लड़का अच्छा है तेरे लिए, विशाल एक अच्छा इंसान है, और उसे तुझे 3 साल का एक बच्चा भी है। बेटा बार बार उसकी इनकम को ऐसे कम ठहराएगी तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी बेटा, और ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो मेरे पीठ पीछे वो मेरी चुगली भी करने लगा आपसे? विशाल ने क्या कहा पापा? विशाल ने क्या कहा या नहीं कहा ये कोई मायने नहीं रखता। मायने मायने छोड़िए पापा, ये बताइए विशाल ने क्या कहा? क्या उसने कहा कि मुझे और पैसे ना दो? हाँ बोला मैंने उनसे कि तुम बेकार की ज्वेलरी में फिजूल खर्च करती हो, तुम्हें कैश ना दें। तो तुम दोगे मुझे पैसे? हाँ ला दो। दो होते भी तो नहीं देता। पैसे भी कौन से होते हैं कंचन? मैं हर महीने की तनख्वाह तुम्हारे हाथ में देता हूँ ताकि महीना इज्जत से कट जाए, घर की ईएमआई, फैमिली का खर्चा, ये सारी चीजें अच्छे से मैनेज हो जाएं। लेकिन तुम्हें तो इन सब चीजों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये मेरी मेहनत की कमाई है, संभालो इसे। संभाला वो जाता है जो हाथ में हो। तुम्हारी कमाई ना तुम्हारे दिमाग में ज्यादा है। पता नहीं किस बात का गुरूर है। गुरूर नहीं है, मैं हमारे बच्चे के लिए तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। एक चीज होती है गरिमा, डिग्निटी, आत्मसम्मान,
जो हमें सिखाती है अपनी कमाई में मैनेज करना। जरूरी क्या है और फिजूल क्या है इसमें फर्क समझो कंचन। विशाल बेटा, तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैसों के मसलों को लेकर कंचन ने अपने साथ कुछ कर दिया है? मुझे क्या पता पापा जी, वो कभी अपनी आदत से बाज ही नहीं आई। आप कहते हैं कि आपने उसे पैसे देने बंद कर दिए थे, लेकिन उसकी ज्वेलरी की शॉपिंग कभी बंद ही नहीं हुई। ये कब लिया? लिया कभी। तुम फिर से पापा से पैसे ले रही हो? नहीं, ये तो असली सोना लग रहा है, महंगा होगा। मैं नकली और सस्ती चीजें नहीं पहनती। इतने पैसे कहाँ से आए कंचन? बचाए थे मैंने। इतने पैसे कहाँ से बचा लिए कंचन? हाँ छोड़ो। इतने पैसे कहाँ से आए? कीमती ज्वेलरी खरीदने के लिए कंचन के पास पैसे कहाँ से आए थे, इस सवाल के जवाब में कंचन के गायब होने का राज भी छुपा हुआ था। पर उसकी फिजूल खर्ची करने की आदत एक ऐसा मुद्दा था जो तहकीकात में अपने आप उठकर आया था। कंचन दुबे के बारे में एक और बात थी जो अभी तक किसी की नजर में नहीं आई थी। सेठ जी, पक्का यही थी? इसको कैसे बोल सकता हूँ मैं, हर बार दो तीन हफ्ते में एक बार तो आती है खरीदने कुछ ना कुछ, और 40-50 हज़ार तक तो खरीदी कर ही लेती है। लेकिन बाप तो बोला था उसने पैसे देने बंद कर दिए थे। सर, हर महीने 40-50 हज़ार के जेवर खरीदती थी, और उसके पति की सैलरी लगभग 55 हज़ार है। सर, कोई बड़ा झोल लगता है। सर, ये कंचन के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स, शक करने जैसी कोई बात नहीं। माँ बाप से बात होती और कभी कभार विशाल से। ठीक है पंकज, लगे रहो। ठीक है साहब। इनके अलावा किसी से बात नहीं होती? इस फोन को तो वो घर से निकलने से पहले स्विच ऑफ करके डस्टबिन में फेंक गई थी। हाँ, अगर कोई और फोन यूज करती हो जिसके बारे में किसी को ना पता हो तो कह नहीं सकते। कंचन ने सुसाइड किया या खुद भागी, लेकिन दोनों की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ रही। भागने की पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है सर, लेकिन बच्चे को लेकर क्यों भागी, और अगर ले गई तो अकेले क्यों छोड़ दिया, ये जरूर खटकता है सर। शायद पहले प्लान होगा कि बच्चे के साथ भागेगी, लेकिन बाद में ख्याल आया होगा कि बच्चे के साथ मुश्किल होगी, अड़चने आएंगी, इसलिए बच्चे को छोड़ गई। तो घर पे छोड़ जाती सर, ऐसे नदी किनारे घर से इतनी दूर 4 साल के बच्चे को कोई माँ कैसे छोड़ सकती है? कुछ तो सीरियस हुआ होगा पिछले एक हफ्ते, ऐसे कैसे हवा हो गई बिना कोई निशान छोड़े? सर शायद ये पहली बार ना हो, 6 साल की शादी थी। लेकिन अगर घर से इस तरह जाने की पहले भी कोई हिस्ट्री होती तो उसका पति या माँ बाप हमें कुछ तो बताते। अभी तक हमें कंचन के बारे में जितना भी पता है सिर्फ उसके पति विशाल के पॉइंट ऑफ व्यू से पता है। राइट, और हो सकता है उसने हमें सब कुछ सच ना बताया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नहीं, अभी कुछ मिला नहीं है उसका। अच्छा सुनो, कंचन के पेरेंट्स आए हुए हैं, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? हो सकता है सब कुछ किया करा विशाल का ही हो, और हमारे सामने परेशान पति की एक्टिंग कर रहा हो। सकता है सर, विशाल को स्कैनर पर डाल देते हैं, पता चले स्टोरी कुछ और ही है। कभी कुछ बताती नहीं है, कहती है मार्केट जा रही हूँ, फिर 2-3 घंटे बाद लौटती है, और कभी आर्यन को स्कूल छोड़ने जाती है तो फिर शाम को ही आती है, दिन भर गायब। जैसे ही आपके खबरी ने मुझे फोटो दिखाई, मैंने बता दिया ये बंदा 7 जुलाई की रात को हमारे यहाँ ही रुका था। इसका कोई आईडी वाईडी लिया था क्या आपने? हाँ जी सर,
हाँ सर, ये महेश शर्मा नाम था इसका। अगले दिन जल्दी चेकआउट हो गया था, 8 जुलाई की सुबह करीबन 6:30 बजे। एक बात थी साहब, तब नहीं खटकी, लेकिन मर्डर के बारे में सुनते ही दिमाग में आई। ये बंदा खाली हाथ आया था, कोई बैग वैग भी नहीं था इसके पास। थैंक यू जावेद, इस आधार कार्ड की कॉपी से हमारी बहुत मदद होगी। कम से कम इस लाश को एक नाम तो मिला, महेश शर्मा। एड्रेस मिला है, पटना का रहने वाला है। अब इस केस में कुछ मूवमेंट होगी। सर, आधार कार्ड फर्जी लगता है, पटना में ऐसा कोई एड्रेस है ही नहीं सर। व्हाट? मुझे पहले से डाउट था, इसलिए सर्वर पर नाम नंबर एड्रेस डाला, कुछ दिखाई नहीं सर। तो इसका मतलब ये नाम महेश शर्मा, ये भी फर्जी होगा? बिल्कुल होगा सर। ये फर्जी आधार कार्ड कौन बनाता है? जो शायद क्राइम करने के इरादे से निकला हो सर, या फिर कोई मचा हुआ क्रिमिनल। बल्लव, सारे हिस्ट्री शीटर्स को खंगालना शुरू कर दो, किसी ना किसी फाइल में ये चेहरा जरूर मिलेगा। चलिए इंस्पेक्टर, मैं खाली नहीं बैठा हूं, काम करता हूं। और वो मेरा ऑफिस नहीं है जहां पे आपका ये कांस्टेबल अचानक से धमक पड़े। और ये क्या धमकी वाले आवाज में मुझे यहाँ बुलाया जा रहा है, ये क्या तरीका है? पत्नी किसकी गायब है? माना कि मेरी पत्नी गायब है और मैं भी चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द सही सलामत मिले, लेकिन मैं जॉब करता हूँ, अपनी नौकरी ढंग से नहीं करूंगा तो ये जॉब भी मेरे हाथ से जाएगा और फिर शायद दीपिका भी हाथ से जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं कि कंचन के गायब होने में मेरा हाथ है? तुम्हारी पत्नी गायब, हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा, और अब हमें पता चल रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में एक दूसरी औरत है, दीपिका। आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हैं? कहीं जबरदस्ती ये साबित करने की तो कोशिश नहीं कर रहे कि कंचन के साथ मैंने कुछ कर दिया? पता नहीं था कि दीपिका का नाम सुनकर तुम इतना हड़बड़ा जाओगे। और तुमने क्या सोचा था, तुम हमें दीपिका के बारे में नहीं बताओगे तो हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? सर, दीपिका अग्रवाल पूरा नाम है, विशाल दुबे की काफी खास दोस्त लगती है, रात को 2-3 बजे तक भी मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। पटना की है? यस सर, फोन रिकॉर्ड्स में उसका फोटो एड्रेस सब मिला है। नहीं, अभी कुछ मिला नहीं है उसका। अच्छा सुनो, कंचन के पेरेंट्स आए हुए हैं, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके विशाल, फ्री होकर कॉल करना। दीपिका का कंचन से या उसके गायब होने से कोई वास्ता नहीं है। दीपिका भी यही बोलेगी, दोनों ने मिलकर सब कुछ डिसाइड किया क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आज के दौर में टेक्नोलॉजी, खास करके इंटरनेट राज कर रहा है। ऐसी कई एप्लीकेशंस या एप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इनोवेशंस हैं जो कि जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हैं, और साथ ही ये अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करने का एक आसान और सरल जरिया भी बन जाते हैं। लेकिन कुछ एप्स जितने काम के होते हैं उतना ही खतरा होता है उनके दुरुपयोग का। ये जिस स्पीड से काम करते हैं उतनी ही स्पीड से तबाही भी मचा सकते हैं। मैडम, मैं विशाल की दोस्त हूँ, बस एक अच्छी दोस्त। बस बस, सिर्फ दोस्त। दिन भर में 8-10 कॉल्स, दर्जनों मैसेजेस, रात को भी। तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो? वो एक्चुअली हम कॉलेज के दिनों से दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। इससे ज्यादा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, या फिर हम दोनों के बीच में सिर्फ कंचन है, या शायद थी। गलत, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। माना मेरे और कंचन के बीच में प्रॉब्लम थी, मैंने मना तो नहीं किया ना सर। दीपिका सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह मुझे मेरे प्रॉब्लम से जूझने में हेल्प कर रही थी, उससे बात करके जरा सुकून मिलता था मुझे। और तुम्हारे सुकून के बारे में तुम्हारी पत्नी को पता था, कंचन को? शायद नहीं पता था, क्योंकि तुम्हारी इस मैरिज काउंसलिंग पर वो आपत्ति जताती। जी, हो सकता है। देखो दीपिका, सच बोलो, सच बोलो, तुम दोनों ने क्या प्लानिंग की थी? प्लानिंग? मैम, कौन सी प्लानिंग की बात कर रहे हैं आप? कंचन को गायब करने की प्लानिंग। देखिए मैडम, हमने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की है। वो भाग गई होगी किसी के साथ, जिससे वो जिससे क्या, किसके साथ भाग सकती है कंचन? विशाल को पता है? जी, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? तुम तो विशाल के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन चला रही हो ना।
मैम आप बात को कहीं से कहीं लेकर जा रही हैं अब। तुम दोनों हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? अंधी गली में? इतना आसान समझ रखा है पुलिस को गुमराह करना? गुमराह तो वो कर रही थी। विशाल को शक था कि शायद उसके लाइफ में कोई और है, किसी से कुछ चल रहा है। विशाल ने मुझे बताया भी था। दीपिका, उसके फादर ने कहा कि अब वो उसे पैसे नहीं भेज रहे, फिर इतना कीमती गोल्ड का नेकलेस कौन लुटा रहा है उसके ऊपर इतने पैसे? विशाल, क्या तुम्हें शक है उसकी लाइफ में कोई? मैंने पीछा किया था उसका। क्या किया तुमने? तो विशाल पीछा कर रहा था कंचन का? हमें तो नहीं बताया विशाल ने, ना शक के बारे में ना पीछा करने के बारे में। मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मुझे पता करना ही था। लेकिन कंचन बहुत चालाक है, वो जान गई थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। वो मुझे हमेशा चकमा दे देती थी, गायब हो जाती थी। कितनी बार पीछा किया था कंचन का? सर, 2-3 बार। इतनी जरूरी बात तुमने हमें नहीं बताई, हमने खुद पता की। अब और क्या क्या छुपा रहे हो, साफ साफ बोल दो। तुम्हें लगता था ज्वेलरी के पैसे भी उस बॉयफ्रेंड से आते थे? और कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? क्या कंचन घर से सारी ज्वेलरी लेकर भागी थी विशाल? वो नेकलेस भी जिसका जिक्र तुमने अपनी गुड फ्रेंड दीपिका से किया था? ज्वेलरी सारी घर पे ही थी, सबसे पहले मैंने वही चेक किया था। सबसे पहले मुझे यही लगा सर कि कंचन आर्यन को विदार घाटी छोड़कर अपने लवर के साथ भाग गई है, लेकिन सारी ज्वेलरी घर पर ही थी और कोई कैश भी लेकर नहीं गई। मैंने उसका बैंक अकाउंट चेक किया था, कुछ भी विड्रॉल नहीं हुआ है। विशाल, तुम्हारी बीवी कंचन के पास एक मोबाइल और होगा, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता होगा सर, पर मुझे नहीं मालूम। दरअसल मुझे उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमारी बात ही नहीं होती थी, हमेशा हमारे बीच में उसके इस फिजूल खर्च को लेकर अनबन रहती थी। पर एक बात कहूंगा सर, वो आर्यन के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, बहुत प्यार करती थी उसके साथ, उसकी माँ है वो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो आर्यन को ऐसे छोड़कर भाग गई। सुसाइड वाली बात तो मैं मान ही नहीं सकता सर, जिंदगी से बहुत प्यार है उसे। सर, पटना पुलिस ने महेश शर्मा को आइडेंटिफाई कर लिया है। आपका अनुमान सही था सर, यह हिस्ट्री शीटर है, ललित सिंगर नाम है इसका। किसी गिरोह के साथ दुश्मनी रही होगी और ठोक दिया गया हो। ये तो उसका अपना गिरोह ही बता पाएगा सर, पर हाँ, गैंगवार वाली फीलिंग आ रही है। भी बताओ क्या प्लान है? बल्लभ, पटना चलते हैं। इस ललित सिंगर की फाइल कौन से थाने में? जूनानगर थाना सर। नहीं, ये नेकलेस उस दुकान से नहीं है जहां से वो बाकी जेवर खरीदती थी। घर से कोई ज्वेलरी लेकर नहीं निकली तो किसी प्रेमी के साथ भाग जाने वाला एंगल तो यही रूल आउट हो जाता है। मैडम, पति के साथ 36 का आंकड़ा था, छोड़कर चली गई, जमीन आसमान एक करेंगे, ढूंढ निकालेंगे, क्या होगा उससे? कंचन बोलेगी मुझे इसके साथ नहीं रहना है, फिर चली जाएगी, कौन रोक सकता है भला? लेकिन पंकज, जिस तरह कंचन गायब हुई, बच्चे को ऐसे नदी किनारे अकेले छोड़कर, मुझे कुछ अजीब लगता है। मैडम, वो नेकलेस जो विशाल दुबे दिखा रहा था, ये रहा। इसका मतलब कंचन का ये नेकलेस चोरी का था? हाँ मैडम, गैलेक्सी अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 302, संत कबीर रोड, 12 अप्रैल 2019 को चोरी हुई थी। फ्लैट के मालिकों ने शिकायत दर्ज की 13 अप्रैल को। उनके पास ज्वेलरी की कुछ तस्वीरें थी, उनमें से एक ये हार था। हाँ सर, ये तो मेरा ही नेकलेस है जो रात को चोरी हुआ था। ये कहाँ से मिला आपको? चोर मिल गए क्या?
विशाल और कंचन दुबे आप जानती हो ना? सर ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुने। और मेरी बाकी की ज्वेलरी कहाँ है? खोज जा रही है। लेकिन ये पक्का आप ही का नेकलेस है? बिल्कुल मैम, ये मेरा ही नेकलेस है। और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराते वक्त मैंने अपने नेकलेस की फोटोग्राफ दी थी साथ। ये कब लिया? तुम फिर से पापा से पैसे ले रही हो? नहीं, ये तो असली सोना लग रहा है, महंगा होगा। मैं नकली और सस्ती चीजें नहीं पहनती। विशाल बेटा, पुलिस का फोन था, कुछ पता चला कंचन का? पापा, पुलिस कह रही है कि कंचन का वो पेंडेंट चोरी का था। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ये पुलिस कह रही है कि बाकी की ज्वेलरीज भी लेकर आने को, शायद वो भी चोरी। पापा, ये कंचन क्या कर बैठी, कहाँ किस चीज में फंस गई है वो? सर ये ललित सेंगर है, उस गैलेक्सी अपार्टमेंट वाली चोरी में संदिग्ध था लेकिन पकड़ा नहीं गया। 5,000 का इनाम है इस पर। अगर वो नेकलेस इस ललित सेंगर ने चुराया था तो वो कंचन के पास कैसे पहुंचा होगा? कंचन एक हाउसवाइफ और ये एक हिस्ट्री शीटर, दोनों का आपस में क्या कनेक्शन होगा? सर गया पुलिस से अपडेट आई है, इस ललित सेंगर का 2 दिन पहले मर्डर हो गया, किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी इसकी। गोली मारकर हत्या? हाँ सर, और ये इत्तेफाक नहीं लगता। डेट ऑफ मर्डर 8 जुलाई 2019, जिस दिन कंचन भी गायब। सर लॉज से मिले फर्जी आधार कार्ड की वजह से मैं शक हुआ कि इस बंदे का क्रिमिनल बैकग्राउंड हो सकता है। घर में चोरी का सस्पेक्ट ललित सेंगर। और उन चोरी के जेवरात में से एक नेकलेस कंचन के पास था। 8 जुलाई 2019 को कंचन अजीब तरीके से गायब हो जाती और उसी दिन ये ललित सेंगर मारा जाता है। सर कहीं कंचन भी मारी तो नहीं गई? विशाल, कंचन का पति विशाल इन दोनों मर्डर्स का मास्टरमाइंड है, वही है। यही है जिसे लेकर तुम्हें अपनी पत्नी कंचन पर शक था, यही है जिसका पता लगाने के लिए तुमने कंचन का पीछा किया, यही है वो आदमी जिसका तुम्हारी पत्नी कंचन के साथ अफेयर था। ललित सेंगर पेशेवर चोर था, वो नेकलेस शायद इसी ने चुराया होगा और बाद में तुम्हारी पत्नी कंचन को गिफ्ट किया होगा। तुमने इस आदमी का पता लगाया और बाद में 8 जुलाई को दोनों का मर्डर करवाया। सर कंचन दिल से बच्ची है, एक बिगड़ी हुई बच्ची, लेकिन मेरे बच्चे की माँ भी तो है और बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, प्यार करती भी है कि नहीं, लेकिन मैं यही यकीन करना चाहूंगा कि वो मुझसे प्यार करती है चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो हमारे बीच। लाश कहाँ है विशाल दुबे? कैसे मरवाया या मारा? नदी में ढकेल कर? क्यों मार डाला तुमने अपनी बीवी को? एक ही सवाल आप मुझसे 1,000 बार पूछ चुके हैं। और एक ही झूठ 1,000 बार बोलने से वो सच कब से होने लगा विशाल दुबे? सर एक मिनट, थोड़ा अर्जेंट। सर शेखपुरा से मैसेज आया, कंचन की बॉडी मिल गई। नदी से? जी सर, बहकर नदी के किनारे आ गई थी। सुसाइड है या मर्डर? गला घोंट कर नदी में धकेला गया। सर शेखपुरा थाने ने बॉडी हमारे पास डिस्पैच की है पोस्टमार्टम के लिए। सुसाइड तो नहीं लगता, इसमें पक्का इस विशाल का हाथ है, इसी का हाथ होगा। क्या विशाल ने ललित सेंगर के कत्ल की सुपारी दी थी और उसी दिन अपनी पत्नी कंचन दुबे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था, या कंचन को भी मारकर या मरवाकर उसकी लाश को नदी में बहा दिया था, या फिर विशाल सच बोल रहा था कि उसका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं था? ललित के कत्ल और कंचन की मौत के बीच की कड़ी वो नेकलेस था, लेकिन इस केस की एक और कड़ी थी,
एक ऐसा पहलू जो अभी तक सामने नहीं आया था, पर इसकी वजह से किसी की आवेश भरी आंखों में खून उतर आया था और इसी कारण दो जिंदगियां खत्म हुई थी। इस केस की तहकीकात कैसे आगे बढ़ी और इस हत्याकांड की हकीकत को कैसे सामने लाया गया, ये हम देखेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।